गाइस, क्या आप रोज वाटर लगा के बोर हो चुके हो? क्या आपको भी चाहिए कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया मिस्ट, कोई नया ऐसा फ्रेशिंग मिस्ट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इन समर्स में? तो अगर आपको चाहिए कि आप कोई और मिस्ट रेडी कर पाओ, वो भी घर पे DIY टोटल फ्रेश, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा कारगर इंग्रेडिएंट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूजफुल इंग्रेडिएंट, जो कि आपके लिए एक मार्केट वाले मिस्ट से, इवन रोज़ वाटर से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हाँ, देख लेते हैं ये मिस्ट कैसे बनाया है मैंने। तो इस मिस्ट को आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है समर्स में स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। सो या गाइस, देख लेते हैं इसको किस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी ग्रीन टी, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद में आपको चाहिए होगा हॉट वाटर, जी हाँ गाइस, हॉट वाटर लेना है आपको। उसके बाद में आपको जो है वो ग्रीन टी इसके अंदर डिप कर देनी है। तो गाइस, इसको हम नॉर्मली जो है हम कम से कम 2 मिनट के लिए ही डिप करते हैं, बट अभी हम इसका पूरा पोषण चाहिए, तो हम इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको इसमें रखे रहेंगे। इसको आप कोशिश करें कि इसको आप ढक दें और 15 मिनट के लिए इसको आपको अच्छी तरीके से वो होने देना है, यानी कि पूरा जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर आ जाए, वाटर के अंदर। 15 मिनट बाद इसको रिमूव करना है और किसी भी कंटेनर में, स्प्रे बॉटल में, आप चाहें तो कोई और कंटेनर में भी रख सकते हैं, बट स्प्रे बॉटल में इसको रखना है। उसके बाद में आप इसको ठंडा कर लें पहले, उसके बाद में रखें, और इसको कभी भी एनी टाइम आप इसको यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपकी स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को वाइट रखेगा, टाइट रखेगा, और हाँ, बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी स्किन। और जिस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ गाइस, आप चाहें तो इसमें विटामिन ई ऑयल भी 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं लगी, मुझे एकदम फ्रेश ही चाहिए था, इस वजह से मैंने ये ऐसे बनाया है। बट आप चाहो तो वो कर सकते हो, और ये बहुत जल्दी से एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में क्विकली, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं ऐड किए, एकदम फ्रेश है। आप इसको बकायदा स्टोर करके रख सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसके ख़राब होने के भी कोई चांसेस नहीं है, आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। आई होप गाइस वाला वीडियो कंप्लीट हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा, पसंद आया, तो मेरे शायद वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे ही कुछ अमेजिंग से DIY देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय।